हेलो भाई, आप सबका स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक और न्यू तरीका बताने वाला हूँ जहाँ से आप गवर्नमेंट टैब में यूट्यूब को चला सकते हैं। और ये दोस्तों जो तरीका होने वाला है इसमें हम टॉक बैक के ऑप्शन के अंदर से यूट्यूब को चलाने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना बिना डिवाइस मेंटेनेंस के दोस्तों। इसके अंदर आपका यूट्यूब वगैरह सभी चीज़ें चल जाएंगी और एक बार अपने टैब में ट्राई करके देख लेना। तो ज़्यादा मैं नहीं कह सकता लेकिन 30-40% टैबों के अंदर दोस्तों ये वाली ट्रिक वर्क कर जाएगी अगर उन्होंने ये वाला ऑप्शन ऑन कर रखा होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जाना है सेटिंग में और आप में मेरा वाले में डिवाइस मेंटेनेंस का ऑप्शन है तो मेरा अभी तक गया नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं इसको यूज़ बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूं। तो मैं जाने वाला हूं सिंपली से वाईफाई के अंदर, और वाईफाई के अंदर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपने दो फिंगर के साथ ऐसे दोस्तों इसको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको स्टॉप कर देना है। जैसे ही आप करेंगे ऐसा यहाँ पर आपको टॉक बैक का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना। और जैसे फ्रेंड्स आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं यहाँ पर आपके जो टॉक बैक है वो यहाँ पर ऑन हो जाएगी। टॉक बैक को ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सिंपली से उल्टा एल बनाना है। तो उल्टा एल बनाने के लिए आपको ऐसे करके ऐसे कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप ऐसे करेंगे, ऐसे कर देना आपको दोबारा से जैसे आप ऐसे करेंगे यहाँ पर आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको जैसे दो बार आप टैप करेंगे आपके फ्रेंड्स यहाँ पर सेटिंग ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सेटिंग को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जाना है दोबारा से, फिर आपको दो फिंगर के साथ नीचे से ऐसे स्क्रॉल करना है और ऐसे दोस्तों आपको यहाँ पर टॉक बैक को ऑफ कर देना है दोबारा से फिर ऐसे करके। तो आप तीन फिंगर के साथ दोस्तों एक बार ट्राई करके देख लेना। तो ऐसे करना है फ्रेंड्स आपको, और फिर होल्ड करके रखना है, फिर टॉक बैक को यहाँ से ऑफ कर देना। और फिर ऑफ करने के बाद दोस्तों आपका बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर वर्क करने लग जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जाना फ़ोन वाली परमिशन पर, यहाँ पर आपको जाना है यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक कर देना साइड से, और यहाँ से दोस्तों आपको कर देना है ये वन यू आई होम पर क्लिक करना। वन यू आई होम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सी ऑल वन यू आई होम परमिशन पर क्लिक कर देना है। फिर फ्रेंड्स यहाँ से आपको जाना है नोटिफिकेशन पर, नोटिफिकेशन पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको वन यू आई होम पर क्लिक कर देना है। वन यू आई होम पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको वन यू आई होम सेटिंग पर जाना है, और यहाँ से दोस्तों आपको ऊपर सेटिंग का बटन दिख जाएगा, इस पर क्लिक करना। अब यहाँ से दोस्तों आप जहाँ से भी यूट्यूब को चलाना चाहते हैं वो चला सकते हैं, लेकिन पहले मेरी एक बात सुन लो, ये दोस्तों आपका ऑप्शन तभी वर्क करेगा जब आप मेरी यहाँ पर जो मैंने ऑप्शन को ऑन रखा है वो आप करेंगे। वो आपको कौन से करने हैं चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको नेविगेशन सर्च कर लेना है। तो जैसे आप नेविगेशन सर्च करेंगे नेविगेशन बार पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ से दोस्तों आपको नेविगेशन बार जो होता है वो यहाँ पर आपको ये वाला सेलेक्ट कर लेना है स्वाइप गेस्टर्स वाला। इसके बाद यहाँ पर आपको एक और सेटिंग करनी पड़ेगी, आपको सर्च कर लेना दोस्तों यहाँ पर आपको टॉक बैक। जैसे फ्रेंड्स आप टॉक सर्च करेंगे तो आपके सामने ऐसा यहाँ पर पेज आ जाएगा, यहाँ पर आपको टॉक बैक पर क्लिक करना है, और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको टॉक बैक पर दोबारा से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा टॉक बैक शॉर्टकट का। जैसे फ्रेंड्स आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर ये आपका ऑफ मिलेगा, तो इसको सिंपली से ऑन कर देना, अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद इन तीनों को आपको यहाँ पर ऑन कर देना है तीनों को। जैसे ही फ्रेंड्स आप तीनों को ऑन कर देते हैं यहाँ पर आपको बैक चले जाना है, और फिर फ्रेंड्स आपके जो भी ये शॉर्टकट हैं ये आपके अप्लाई होने लग जाएंगे आपके टैब में, और आप यहाँ से भी सेटिंग को ओपन कर पाएंगे। बिल्कुल आसान सा तरीका है। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वाला तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो को लेकर और नई ट्रिक को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा जय हिंद।